पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि झूसी से बनारस तक की हमने यात्रा की मीमू ट्रेन में, जो कि मुंबई लोकल ट्रेन की कार्बन कॉपी है, जो प्रयागराज रामबाग से होकर बनारस तक चलती है। बनारस, इसे बनारस कहें, वाराणसी कहें या काशी, उत्तरी भारत में माँ गंगा के तट पर बसा ये पावन तीर्थ स्थल। अद्भुत है इसकी गलियाँ, अद्भुत है इसके रास्ते और अद्भुत है माँ गंगा का किनारा। सनातन जगत में तीर्थ यात्रा, मृत्यु और शोक की परंपराओं का केंद्रीय स्थान, ऐसी भूमि जहां बहती है माँ गंगा की पवित्र धाराएं, जहां के राजा हैं विश्वनाथ और जहां के रक्षक हैं काल भैरव। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल गांव की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी यात्रा में बनारस दर्शन की ओर। हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर, तो जिस तरफ नंदी जी देख रहे हैं ठीक उसी तरफ हमें जाना है। एक्चुअली इस बैनर के पीछे छुप गया है, इस बैनर के पीछे लिखा हुआ है काल भैरव मंदिर, तो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर है, बाय वॉक जाना है। गेट नंबर 4 पे इतना विशाल त्रिशूल रखा हुआ है। हर हर महादेव। ये है मंदिर का द्वार और ये है ज्ञानवापी मस्जिद। ये गली है दो बिल्डिंग के बीच में, यहाँ पर है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है, जूम करता हूँ। इसके बगल से ये गली जा रही है, यहाँ पे जाना है काल भैरव मंदिर। फिर से आ गए हम बनारस की गलियों में। ये रास्ता है काल भैरव मंदिर का। ये बनारस की गलियाँ नहीं है, भूल भुलैया है। चले जा रहे हैं काल भैरव मंदिर के लिए। सब यही बोल रहे हैं कि आगे से लेफ्ट, आगे से लेफ्ट, आगे से लेफ्ट, मगर वो लेफ्ट कहाँ है वही पता नहीं चल रहा है। फाइनली वो लेफ्ट आ ही गया। ये है वो लेफ्ट। इस गली में है बाबा काल भैरव मंदिर। रास्ते में आपको पड़ेगा काल मदनेश्वर महादेव मंदिर। यदि आप काशी विश्वनाथ महादेव का दर्शन करते हैं तो यहाँ काल भैरव का दर्शन करना आपके लिए अनिवार्य है। इसी मान्यता है कि बिना काल भैरव का दर्शन किए आपकी काशी विश्वनाथ की यात्रा अपूर्ण रह जाती है। पीओपी का गुफा बनाए हैं। ये ऐसी बैटरी वाली रिक्शा पकड़कर हम आ गए और यहाँ पर उतर गए। एक आदमी का 45 रुपया, दो आदमी का 90 रुपया। और यहाँ से अब हमें स्ट्रेट जाना है इस तरफ और वहाँ सामने है संकट मोचन मंदिर। आज है मंगलवार और कहते हैं कि मंगलवार को यहाँ बहुत भीड़ होती है, मगर इस समय कोई भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। ये है श्री संकट मोचन हनुमान जी मंदिर का मुख्य द्वार। मंदिर के अंदर मोबाइल और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, यहाँ पर लॉकर फैसिलिटी दी गई है। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल कैमरा सब कुछ जमा करना होगा और उसके बाद ही आप अंदर जाकर मंदिर में दर्शन करके आ सकते हैं। आपको टोकन दिया जाएगा, उस टोकन को देकर आप अपना मोबाइल कैमरा और बाकी के गैजेट्स वापस ले सकते हैं। दुर्भाग्य है कि यहाँ तक आने के बाद भी हनुमान जी के दर्शन नहीं हो पाए। मंदिर 1 बजे से 3 बजे तक बंद रहता है, इस समय 1:30 बज रहे हैं। श्री संकट मोचन हनुमान जी मंदिर से वॉकेबल डिस्टेंस पर है दुर्गा कुंड और दुर्गा मंदिर, बगल में ही है मानस मंदिर। मानस मंदिर तो नहीं जा पाएंगे, चलिए माँ दुर्गा का दर्शन करें। दुर्गा मंदिर, जिसे दुर्गा कुंड मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये काशी की प्रसिद्ध मंदिरों में से एक मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में नटोर की बंगाली महारानी
रानी भवानी के हाथों से हुआ था। ऐसी मान्यता है कि वर्तमान में जो माँ दुर्गा की मूर्ति है वो मानव निर्मित नहीं है, वो स्वयंभू है, वो खुद से प्रकट हुई थी इस मंदिर में। और बगल में जो कुंड है वो सीधे माँ गंगा नदी से ही जुड़ी हुई थी। रिसेंटली किसी लड़के ने यहाँ पर कूदकर सुसाइड कर लिया, जिसके वजह से यहाँ बैरिकेड लगा दिए गए हैं, तो अब कोई इसके किनारे नहीं जा सकता, बस दूर से देख सकते हैं, वरना पहले किनारे तक जाने देते थे। और ये है दुर्गा माता का मंदिर। जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट, श्री विशालक्षी माता मंदिर। अब हम दोबारा से जा रहे हैं जहाँ से सुबह दर्शन किया था हमने, काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर का, उसी गेट से अंदर घुसकर हमें फर्स्ट राइट लेना है और जाना है मणिकर्णिका घाट के पास। वहाँ पर विशालक्षी माता का मंदिर है, जो कि एक शक्तिपीठ है। फाइनली ढूंढते ढूंढते हम पहुँच ही गए श्री काशी विशालक्षी मंदिर, जो कि एक शक्तिपीठ है। गंगा मैया के घाट पर किसी ने बताया कि यहाँ माता जी की आंखें गिरी थी, मगर यहाँ के पुजारी से पूछने पर पता चला है कि यहाँ पर माता जी का पूरा मुख ही गिरा था, इसीलिए इसका नाम विशालक्षी माता मंदिर पड़ा है। 51 शक्ति पीठों में से एक शक्ति पीठ। ये है मणिकर्णिका घाट, जहाँ हमेशा चिताएं जलती रहती हैं, कभी नहीं बुझती। इस वक्त भी 10 से 12 चिताएं तो अभी जलती हुई दिख रही है, नीचे से ऊपर तक। अरे अरे महादेव, यहीं पर महादेव का वास है। और ठीक मणिकर्णिका घाट के बगल में है ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की मेन एंट्रेंस। ये देखिए, चलिए अब चलते हैं कॉरिडोर में। मणिकर्णिका घाट और माँ गंगा के किनारे से सटा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का गेट नंबर 1। सच मानिए, ऐसे लग रहा है कि महाराजा काशी विश्वनाथ के महल में हमने प्रवेश कर लिया है। इतना भव्य, इतना सुंदर और इतना आकर्षक बनाया गया है कि इसका शब्दों में वर्णन करना संभव है। ये है गेट नंबर 1 काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मेन एंट्रेंस। सामने है गंगा मैया। वो है भारत माता। इस कॉरिडोर में बैंक, ATM, दुनिया भर के कैफेज, रेस्टोरेंट सब कुछ अवेलेबल है। आप मोबाइल और कैमरा लेकर मेन गेट तक जा सकते हैं। मेन गेट के आगे मोबाइल और कैमरा अलाउड नहीं है। ये जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव, अंतिम स्टेशन है यहाँ का मणिकर्णिका घाट, और अपने अपने स्थान पर जो भी घाट होगा वो। और ये है हमारी गंगा मैया। हर हर गंगे। ₹100 में 40 घाट की यात्रा बोट से, साथ ही साथ माँ गंगा आरती के भी दर्शन होंगे। चलिए इस यात्रा का भी आनंद लेते हैं। इसके इतनी भीड़, हजारों लोग यहाँ बैठे हैं माँ गंगा आरती का दर्शन करने के लिए। घाट तो घाट, सारे बोट भी भरे हुए हैं लोगों से।
सिर्फ गंगा आरती देखने के लिए। अद्भुत दृश्य है यह। बोट वाले ने कहा था कि 40 घाट और माँ गंगा आरती के दर्शन कराएंगे, मगर विलंब से आने का ये परिणाम है कि इतना पीछे हम लोग हैं कि ठीक से आरती के दर्शन भी नहीं हो रहे हैं। इससे बढ़िया तो कल हमने आरती का आनंद लिया था, बगल में बैठे थे और पूरी आरती को प्रारंभ से समापन तक बैठकर सुनते रहे और आनंद लेते रहे। कल की आरती का वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, जो उसके मेन मेन पार्ट्स हैं वो। चलिए अब 40 घाट के दर्शन करते हैं। आरती समापन होने वाली है और सारी बोट्स और नाव पीछे की तरफ आ रही हैं और हम जा रहे हैं 40 घाट के दर्शन करने, जो कि मणिकर्णिका घाट से शुरू होकर राजा हरिश्चंद्र घाट तक का एक छोटा सा टूर होता है और वहां से रिटर्न ले आकर मणिकर्णिका घाट पर, जो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बगल में है, वहां पर हमें दोबारा से उतार दिया जाएगा। वो सामने माँ शीतला मंदिर दिखाई दे रहा है, आने के बाद उनका दर्शन करेंगे। यहाँ पर दो जगह आरती होती है, एक तो जो माँ शीतला माता मंदिर के बगल वाला घाट है वहाँ पर, और दूसरी आरती होती है दशाश्वमेध घाट पर। दोनों बगल बगल में ही है, मगर दोनों जगह अलग अलग आरती होती है। इस बोट राइड का भी पूरा वीडियो मैं मेन मेन क्लिप जो है वो एडिट करके डाल दूंगा, आप उसका भी आनंद ले लीजिएगा। फिलहाल लाइव आनंद लीजिए। पागल मोहे बता में शाम तेरे चरणन में संधिया तेरे चरणन में हाँ शाम तेरे चरणन में कन्हैया तेरे चरणन में चित लागो रे लागो चित लागो रे लागो कन्हैया तेरे चरणन चरणन में कहे गोपिका सखियन के बेटी बेटी रोए आयो नायो साबरो जन कहाँ पे गयो जी कोई शाम तेरे चरणन में हरिश्चंद्र घाट से मनी करे 40 घाट 80 घाट तो ज्यादा हो जाएगा, याद नहीं आता 40 घाट जाता है, हरिचंद से मणिकर्ण का उधर जाएगा। हाँ अली गाड़ी मैं तो कहूँ कछु बात मेरी हे निष्ठुर निठुर ते प्रेम भयो ये है बिल्कुल ही निठोर सदा चराई गया माखन लीनो चोर कन्हैया तेरे चरणन में श्याम तेरे चरणन में
ये है शिवगंगा बोट। इसी नाव पर हम गए और 100 रुपये में 40 घाट के चक्कर लगा के आए और आरती के दर्शन भी कर दिए हमने। अभी आपने जो वीडियो देखा वो वीडियो मैंने इसी बोट पर बैठ के बनाया था। बहुत ही बढ़िया राइड है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। अब समय है प्राचीन माँ शीतला माता के दर्शन करने का, उसके बाद गेस्ट हाउस पर जाकर रेस्ट करने का। आज पूरे दिन बारिश हुई है और पूरे दिन हम लोग बहुत ज़्यादा पैदल चले हैं, काफ़ी थकान सी हो गई है और बोट राइड भी कर ली हमने जो कि हमेशा सोचा करते थे। जय शीतला माता। इसी नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे श्री अयोध्या धाम में, आपको सफ़र करवाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की और अयोध्या धाम के आपको दर्शन भी करवाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट करके प्लीज़ बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। वंदे भारत, वंदे मातरम, हर हर गंगे, जय सरयू मैया, हर हर महादेव, जय जय सियाराम।